आज मैं आपको स्प्रिंग अनियन की बहुत ही आसान तरीके से और बहुत कम मसालों में सब्जी बनाने की रेसिपी बताने वाली हूँ। तो चलो इसके पहले इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। इसके लिए मैंने एक बोल में स्प्रिंग अनियन काट लिया है, जिसका जो प्याज वाला पार्ट है उसको अलग रखा है ताकि हम उसको टेम्परिंग में यूज़ कर पाएँ। इसके साथ मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर काटा है और एक मीडियम साइज़ का आलू काटा है, जिसको छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लिया है। साथ में कुछ मसाले लिए हैं, जैसे कि नमक स्वादानुसार, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, आधा छोटा चम्मच जीरा और हींग पाउडर, साथ में दो मैंने हरी मिर्च यहाँ पे कट की है और साथ में लाल मिर्च भी ली है। लाल मिर्च ऑप्शनल है क्योंकि मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ, तो अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो लाल मिर्च डालें, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। तो सब्जी में तड़का लगाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में तेल ले लिया है। तेल को अच्छे से गर्म करना है। तेल में हींग पाउडर और जीरे को डाल के अच्छे से उसको सॉटे कर लेंगे। जैसे थोड़ा थोड़ा पक जाएंगे, इसके बाद हमने जो प्याज लिए हैं उसको डाल देंगे तेल में और अच्छे से उसको ब्राउन होने तक पकाएंगे। प्याज हमारे ब्राउन होने लगे हैं, अब इसके बाद हमने इसमें टमाटर डाल देने हैं। टमाटर को भी अच्छे से पकाना है हमें। तो टमाटर को पकाने के लिए इसमें हम जो सॉल्ट हमने लिया हुआ था तो सॉल्ट डाल देंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छे से और जल्दी पक जाए। इसके साथ हमने कटी हुई हरी मिर्च ली थी वो डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे और लाल मिर्च पाउडर भी इसमें मिला देंगे और टमाटर को अच्छे से पका लेंगे। इसको थोड़ी देर ढक के पका लेंगे ताकि हमारे जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाएं। तो इसको 2 मिनट के लिए गलाना है, उसके बाद हमारे टमाटर एकदम अच्छे से देखिए पक चुके हैं। अब इसमें हमने जो पोटैटोज लिए थे, आलू लिए थे जो मीडियम साइज़ का, तो उसको मिला देंगे और अच्छे से चलाएंगे ताकि मसाला आलू में अच्छे से लग जाए। और इसको भी हम 2 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे ताकि आलू के अंदर जो मसाला है वो अच्छे से आ जाए। आलू हमारे हल्के हल्के इसमें पक चुके हैं। इसके बाद इसमें जो हमने स्प्रिंग अनियन लिए थे कटे हुए वो डाल देंगे और उसको अच्छे से मिला देंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, आप अगर हल्की सी ग्रेवी रखना चाहें तो ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं सिर्फ पकाने के लिए इसमें पानी डालने वाली हूँ, तो थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूँगी ताकि हमारे जो आलू हैं और जो स्प्रिंग अनियन है दोनों ही अच्छे से गल जाएं। तो अब इसको पानी को अच्छे से डाल के और इसको पकने के लिए छोड़ देना है। तो ये देखिए, ये हमारे जो आलू है और स्प्रिंग अनियन है पके हुए दिख रहे हैं। इसको काट के हम देख लेंगे कि हमारा जो सब्जी है वो पकी है। ये लगभग आलू हमारे गल चुके हैं, तो इसको थोड़ी देर और हम ढक्कन लगा के ही पका लेंगे ताकि आलू अच्छे से पक जाए। तो 2 मिनट बाद देखिए हमारी एकदम रेडी है स्प्रिंग अनियन की सब्जी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनी है और बहुत ही आसान है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे जो भी फ्यूचर में वीडियोज़ आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।